जो घर हमने ले रखा है ये उसकी छत के ऊपर आए हैं। कल कपड़े धोकर भी खूब सारे से सुखाए थे। और आज जो हम लोग पूरे वृंदावन के चारों और जितने भी स्थान है उन सब की यात्रा करेंगे। स्कूटी लेकर ले जाएंगे, परिक्रमा लगाएंगे पूरे। भीलवाड़ा से आए? मैं भीलवाड़ा राजस्थान से हूँ। मैं कब से आपकी वीडियोस देख रहा हूँ। मतलब आप रास्ता देख के ढूंढते ढूंढते आगे गए। वो आपने वो जो बारिश वाली वीडियो डाली थी ना, जिस दिन बारिश हो रही थी परसों की। हाँ परसों की। अब हमने उसमें एक एक चीज को अच्छे से जूम कर करके आपको देखा देखा, देन ये गली है, ये मकान है, ये, और आप दिख गए कि ये खड़े हैं। ये तो गजब हो गया। आप दर्शन करने आए हो क्या घूमने? हाँ हम लोग ऐसे घूमने आए थे। अच्छा, और फिर आपने सोचा चलो देखते हैं। मैं है ना, अभी आप यहाँ पे आए थे, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था अल्टो का, उस टाइम भी हम लोग इधर ही थे, खाटू श्याम जी इधर ही। तो उस टाइम भी हमारा प्लान हुआ था, बट आपने वीडियो नहीं डाली दो दिन, तो हमको पता नहीं था कि आप मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बट अब फाइनली हम लोग इधर आए, तो हमने सोच के आए कि संजय भैया से मिलके ही चलेंगे, मतलब मिलके ही चलेंगे। तभी हम लोग आपको ही ढूंढ रहे थे, हमारी गाड़ी वहां लगा के हमने कहा कि भैया को ढूंढते हैं एक मिनट। वीडियो को बार बार पॉज करके ऐसे करके वापस प्ले करके आपने किसी को प्ले करी होगा? नहीं पूछा नहीं मैंने ना आपकी, इसमें यूट्यूब पे मैंने कमेंट किया था, भैया प्लीज आप मुझे थोड़ा सजेस्ट करें आप किधर जाएंगे कहाँ मिलेंगे। बट शायद वो मैं खुद चाह रहा था, लेकिन मेरे अभी पॉसिबल नहीं है। कल परसों मैं सोच रहा था कि जाने से पहले एक बार तो कुछ पोस्ट डालूं, लेकिन मेरे समस्या ये रहती कि कहाँ की और कब की डालूं। अच्छा फिक्स नहीं रहता ना, घंटे डेढ़ घंटे अगर लेट भी हो जाऊं तो सामने वाला आके चला जाएगा। मतलब आपका सडन नहीं बनता है। हाँ तो वो दिक्कत हो जाती है कई बार। तो आपने ये बोला ना कि हमारा थोड़ा ऊपर है, वहाँ पे परिक्रमा मार्ग पे पानी भरा हुआ है, ये मैंने बता दिया था। तो बस हमने उस क्लू से हमने कहा कि आज तो ढूंढ के ही मानेंगे भैया। गाड़ी खड़ी, हमने गाड़ी भी देखी। और कैसे भैया? और बढ़िया। आपके हाथ के ठीक है वो लगे ऐसे जो आप आए? अरे यार भैया बिल्कुल यार, आपके लिए तो इतने मतलब ये चीज बहुत अच्छी लगती है। मतलब आप इस तरह गेट ऐसे खोला ही था। अच्छा आपने थोड़ी खोला गेट? नहीं नहीं हमने जाने के लिए हमने इसने गेट खोला था कि बाहर जा रहे थे हम। अच्छा आगे आप खड़े थे। अभी हम लोग निधि वन जा रहे थे तो आपने उसकी वीडियो तो पोस्ट कर दी। आपका क्या नाम है? भीलवाड़ा से? हिमांशु पारिक नाम है। मैंने आपकी फर्स्ट टाइम वीडियो देखी थी, आप आए थे तो शापरा रासेड़ वगैरह के, आप रामद्वारे के सामने सोए थे गाड़ी में अल्टो में। शापरा में आपको होटल नहीं मिला था, तो आप रामद्वारे के सामने गाड़ी लगा के सोए थे। फिर उधर से आप रासेड़ वगैरह इधर होते हुए निकले थे। आज चाय पानी पिया। ये झुंझुनू से बिलोंग करता है। हमें जो वाकई में बहुत अच्छा लगा, ये छोटा सा हमने रूम ले रखा है यहाँ पर। अरे नहीं वृंदावन के अंदर है, बहुत ज्यादा हमको भी बहुत अच्छा लगा। और मतलब ये काफी दो तीन साल से हमारा ये था कि मतलब संजय भैया से मिले 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 आपको ढूंढना, और अंदर ये भी डर था कि कहीं भैया वृंदावन से जो है निकल नहीं जाए कहीं। निकलने वाले कल अभी बताया। तो हम लोग काफी वीडियो लेट हो जाते हैं ना, जैसे ये वीडियो डलेगा तब हम जो है काफी टाइम से जो सपना था आपसे मिलने का, मतलब रियली अपने। पर आपका ये जो एक्सप्रेशन था वो देख के हमें भी आप अपने जैसे ही लग रहे बिल्कुल। नहीं हम आपको रोज आपकी डेली एक्टिविटीज को हम लोग रोज देखते हैं टीवी। तो हम तो जैसे कि खाना खाते हैं, डायरेक्ट में तो देखते थे खाना खाते थे, भी आपकी वीडियो देख के खाना खाते हैं। तो अभी इसमें हमको तो आप अपने से लगते हो। अरे संजय भैया, अरे एवरीथिंग ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है यार, अपने ही अपन तो रोज मिलते हैं जैसे रोज देखते हैं। तो हैरानी इस बात की हो रही है कि आप ऐसे स्क्रीनशॉट लेके इतनी मेहनत करके ढूंढ के आए। ढूंढ लिया हमने। ओके भैया, ओके थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लगा, रियल में बहुत अच्छा लगा। हमको भी बहुत अच्छा लगा है कि संजय भैया से मिल लिए। अभी तो बाहर जाके अपने आप ही बिलीव करूंगा कि मैं दो साल से सोच रहा था मिलूं मिलूं। ओके थैंक यू भाभी। वृंदावन की गलियों में हम पूरा परिक्रमा लगाएंगे। अब देखिए जहाँ पर हम लोग रुके हुए ना, यहाँ से ये परिक्रमा मार्ग एकदम नजदीक है। ये हम लोग आगे परिक्रमा मार्ग पे। ई रिक्शा तो खूब चलते हैं पर बहुत रुपए लगते हैं इनके यार, महंगे बहुत। सबसे पहले दिन हम लोग जब मदन मोहन जी और बांके बिहारी जी मंदिर गए थे ना, उस दिन यहाँ पानी भरा हुआ था, हम लोग पानी में चल के इसी मार्ग से गए थे। वैसे सूख तो उसी दिन गया था जिस दिन हम लोग जो दर्शन करके आए थे, उससे अगले दिन ही सूख गया था। रात भर श्रद्धालु परिक्रमा लगाते रहते हैं, रात भर चलती रहती है परिक्रमा। दिन में गर्मी वगैरह होती है, भीड़ ज्यादा होती है, तो खूब सारे लोग ऐसे सोचते हैं रात को करेंगे परिक्रमा।
या सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग में भी करते हैं। 12 से 13 किलोमीटर की परिक्रमा है। वो दीपक वालों ले एक जगह ना हो। ये मदन मोहन जी का मंदिर आए थे उस दिन, सबसे पहले हम लोग यहीं पे आए थे। बहुत पुराना मंदिर है मदन मोहन जी का। ये हम लोग आ गए यमुना जी के किनारे के ऊपर। चलेगा कैसे? तेल है, इतना महंगा है, इतना 5 रुपए 10 रुपए कैसे बेचेंगे हम? घी महंगा है तो? हाँ जी। अब कोई बात नहीं, हम घी लेके हम घी का दीपक करने के लिए ही आए हैं। ये एक्चुअली हम लोग जो घी लेके आए हैं घी का दीपक जलाने के लिए। मेरे लिए कोई है? गाय खुद की, आपकी है? गाय तो श्री कृष्ण भगवान की, हमारी श्री कृष्ण भगवान की गाय है। कल मैंने उपवास किया था, पूर्णिमा का दिन था, इसलिए आज सुबह सुबह गायों को चारा खिलाएंगे हम। यहाँ पर जो वृंदावन के अंदर मैंने देखा है, एकदम सुंदर सुंदर सफेद और अपनी देसी गायें लोग बहुत ज्यादा रखते हैं। गाय भी रखते हैं यहाँ पर, भैंसे भी खूब है। दूध दही की कोई कमी नहीं है और हर दुकान पे दही और माखन आराम से मिल जाता है। लगभग दूध दही की दुकानें है ना, दूध दही की वहाँ हर जगह। आप? हम तो यही गए भैया। अच्छा, ब्रजवासी है, ब्रज की लड़की, ब्रज की बहू। और ये खुद की गाय खुद की है क्या आपकी? इधर गाय दो हमारी है। अच्छा, दूध बेचते हो? देते हैं थोड़ा खाना, नहीं तो खाने के लिए रखते हैं अपना। यहाँ पर जो लोग है ना, वो जो ये क्या है कि ब्रिज का एरिया है, ब्रिजवासी लोग गर्व करते हैं कि हमने ब्रिज के अंदर जन्म लिया है और फिर कभी आना पड़े तो हम ब्रिज के अंदर ही आए, ऐसी भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। ये जो रास्ता है, हम लोग परिक्रमा मार्ग से जा रहे हैं, वृंदावन की परिक्रमा का ये रास्ता है। और लेफ्ट साइड में यहाँ पर सब इस साइड में घाट ही घाट बने हुए हैं। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है, वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। अब ये परिक्रमा मार्ग आप देखिए, मैं चल रहा हूँ आगे सीधा सीधा, लेकिन आगे बंद है रास्ता क्योंकि पानी आ गया है, रास्ता खुला नहीं आगे तक, इसलिए मुझे यहाँ से इस साइड में घूमना पड़ेगा। परिक्रमा मार्ग को डाइवर्ट कर दिया है आगे नदी का पानी ज्यादा होने की वजह से। ये परिक्रमा करने वाली, मंदिरों पर जाने वाली पुरानी वृंदावन की गलियां है। ये बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं है पर गाड़ियां वगैरह यहाँ पर आ ही नहीं सकती। जब अमावस्या या पूर्णिमा एकादशी होती है तो भीड़ बहुत ज्यादा होती है, तो हम लोग इधर चलते हैं यहाँ से। यहाँ निधिवन है पास में, श्री निधिवन, पुराना फाटक निधिवन भी हम लोग जाकर के आ गए। और वृंदावन की इन गलियों से हम लोग अब आ गए हैं वापस इस साइड में। कैसी घाट है यहाँ पर, जहाँ आरती के अंदर हम लोग शामिल हुए थे, स्नान करने के लिए भी गए थे। सुबह सुबह का बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर क्या है, पूरे परिक्रमा मार्ग के अंदर इस तरह से जगह जगह पर गायें खड़ी है, गायों को बांध रखा है, लोग रहते हैं तो उनकी भैंसें भी यहीं पर बंधी हुई है। वृंदावन की गलियों मेरे श्याम का ठिकाना है, गलियों में। ये देखो भंडारा लगा हुआ है यहाँ पर इस साइड में, कचोरी खाएगी। आज हम वृंदावन की स्कूटी से परिक्रमा लगा रहे हैं और गौरी गोपाल जी की जो गौशाला है वहाँ पे भी अभी हम जाएंगे, क्योंकि हमारी दादी जी उनका देखती है, तो दादी जी ने बोला था कि जरूर लेके आना। ये है भाई सब गौशाला, ये गौरी गोपाल गौशाला जी कहाँ है? राधे राधे। गौशाला हम लोग माला ले रहे हैं महाराज जी को पहनाने के लिए। ये यहाँ पे गौरी गोपाल जी का आश्रम है और दासरम है। नीचे प्रसादी गौरी गोपाल भगवान जी की रसोई में राधे राधे बोलकर आप सभी आगे बढ़ते रहें। एक्चुअली क्या, मेरी दादी जी इनके वीडियो बहुत देखती है जो गौरी गोपाल गौशाला वाले महाराज हैं, और मैं खेत जब भी जाता हूँ देखता हूँ तो दादी आगे देखते हुए मिलते हैं, और कई बार मुझे दिखाया भी है कि ये देखिए। तो दादी ने मुझे कहा था कि वृंदावन में उनसे मिल के आना,
ये परिक्रमा मार्ग में है और सब लोग ऐसे जो परिक्रमा दे रहे थे वो कोई भी जाके ऐसे दर्शन करके मिल के आ सकता है। दो साल इनकी दो जगह पे है। पर आपकी कई सारी कमेंट और भी आई है हमें कि यहाँ पर एक प्रेमानंद जी महाराज और है, उनसे आप मिलना, चलो कोशिश करते हैं उनसे भी मिलने की। उसके बाद में हम लोग आ गए मुरली वाला, यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं खमन ढोकली रसगुल्ले एकदम लस्सी आ रही है आपकी। एक लस्सी ना, आज बैठो एक लस्सी ले हो। भक्ति वेदांत स्वामी गेट, और यहाँ से बांके बिहारी जी मंदिर एकदम सीधा है, अंग्रेज मंदिर के सामने यानी कि कृष्ण बलराम मंदिर के सामने, इस्कॉन मंदिर के सामने कुछ अंग्रेज मिले हैं जो हरि कीर्तन कर रहे हैं। पता है इसको उनकी यही बात मुझे जबरदस्त लगती है कि पूरी दुनिया के अंदर कृष्ण भक्त उन्होंने बना दिए इतने सारे। अब देखिए यहाँ पर ये विदेशी नागरिक, बारिश भी आनी शुरू हो गई, हम लोग आए थे उस दिन और उसके बाद में बारिश हुई या आज बारिश। अब देखिए यहाँ पर जो है वो आ गया, ये देखिए यहाँ पर आ गया है राधा केली कुंज वराह घाट परिक्रमा मार्ग के ऊपर इनका आश्रम है। हम लोग आश्रम के अंदर प्रवेश किए हैं अभी। यार अब आश्रम में जाओ, कितना घूमे जा साहब है कितना। अब देख महाराज जी हट रहे हैं। क्लोज हो गया भाई, यहाँ पर अभी महाराज है नहीं, वो सुबह आते हैं रात को करीब 2 बजे, और तभी या तो रास्ते में दर्शन कर सकते हैं। सत्संग के लिए कहते हैं सुबह 2 बजे अंदर बैठेंगे हॉल में, 4 बजे महाराज जी सत्संग स्टार्ट होगा और वो 7 बजे तक चलेगा। बच्चों के साथ में प्रवेश नहीं है, और अभी नाम लिखेंगे उसमें महिलाओं की जगह सीट खाली है, पुरुषों के क्या नाम पूरे लिख लिए, 60-60 लोगों के होते हैं। इसके अलावा एकांतिक वार्तालाप होती है, उसके लिए नाम अभी लिखे नहीं जा रहे हैं, वो सुबह लिखते हैं करीब 8:30-9 बजे, और वो फिर अगले दिन जो है वो एकांतिक वार्तालाप में शामिल हो सकते। ये है श्री हित राधा केली कुंज, ये कहाँ थे 50-60 कुंज पर वो पूरा सत्संग करते हैं, 60-60 120 60 महिलाएं 60 पुरुष, बच्चों के साथ में प्रवेश है नहीं, सुबह सिर्फ 2 बजे दर्शन। अगर यहाँ कोई आए तो रास्ते में आते हुए हमने देख सकते हैं तब दर्शन। वैसे काफी बार मैंने भी इनके वीडियो देखे हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं ये जो जीवन है वो किस तरह से हमें भगवान के लिए ही जीना चाहिए। राधा राधा अगर हम लोग हमेशा नाम जपेंगे तो जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और मैंने इनको ईमेल भी किया था ताकि हम लोग टाइम ले सके, तो उसके तो रिप्लाई आया नहीं, और यहाँ पर हमें खुद टाइम नहीं मिला इतना कि हम लोग पहले दिन इतना जल्दी आ करके, क्योंकि रोज सुबह हम लोग 5-6 बजे बाहर चले जाया करते थे, और यहाँ पर आने के बाद हमें पहले बुकिंग कराने का टाइम मिला नहीं, तो इसलिए हम लोग मिल नहीं पाए। अब देखते हैं सर, ये यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस ले रही है, ये दोनों शॉपिंग कर रही है कब से दुकानों के अंदर से, पता नहीं कितना सामान लेगी। आज वृंदावन के अंदर हमारा आखिरी दिन था, कल सुबह मॉर्निंग के अंदर यहाँ से हम लोग निकलेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ जो स्कूटी में रेंट के ऊपर लेके आया था उसे वापस करने के लिए। ये जो रोड है बांके बिहारी जी वाली, इस्कॉन मंदिर है यहाँ पास में, और ये पोन महाराज कॉलेज है जिसके आगे मैं खड़ा हूँ। मैंने जो स्कूटी जो रेंट पे ली थी वो यहाँ से ली थी, एक ये महिंद्रा कोटक बैंक है और इस साइड में इंडस लैंड बैंक है, यहाँ से मैंने स्कूटी किराए पे ली थी। किराया मैंने आपको 600 रुपये बताया, 2000 रुपये एडवांस मुझे डिपॉजिट कराने थे, और जो पेट्रोल था वो भर के टंकी पहले
मैंने लिया था और वापस दिया तब भर के इन्होंने। और ये सारी बात मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि आप कभी आए बाइक रेंट पे लेनी हो तो बोन महाराज एक कॉलेज है, इसके जस्ट सामने ये एक शॉपिंग मॉल है, खूब सारी दुकानें हैं, ये देखिए यहाँ पर आकर के आप ले सकते हैं। ये मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ इनका, ना इन्होंने मुझे कोई पैसे दिए हैं और ना मेरे कोई पैसे छोड़े हैं। मैंने पूरे 600 रुपये पर डे के हिसाब से चार दिन के 2400 रुपये दिए और पूरा पेट्रोल ये कम पड़ रहा था लास्ट में, इसमें कहा कि एकदम आगे तक है जहाँ किनारे तक था 50 रुपये का एक्स्ट्रा ही, वो सारा पेट्रोल मैंने जो दिया, सारे पेट्रोल के पैसे मैंने दिए। और अब जाओ स्कूटी होगी, कभी आपका काम पड़े तो आप ले सकते हैं। दो जगह तो ये है, यहाँ पर दो जगह है, इसके अलावा एक दो जगह मैंने और भी देखी थी यहाँ वृंदावन के अंदर, लेकिन इस मेन रोड के ऊपर ये ठीक लगी मुझे। तो भाई ये थी हमारी वृंदावन की यात्रा, कल सुबह यहाँ से निकलेंगे, उससे पहले कुछ दृश्य शायद आपको और भी दिखाएंगे हम लोग। मेरे श्याम का ठिकाना है, स्कूटी छोड़ के आए तब आते टाइम लड्डू लेकर के आ गया था मिठाई वाले से, कुछ मीठा खा लेंगे। 1 किलोमीटर यहाँ से वो जगह थी तो वहाँ से पैदल चल के आए पूरा रूम तक, और सुबह जल्दी निकलना है। यहाँ आने के बाद हम लोग रोज सुबह 3 बजे उठ रहे हैं, रोज सुबह, कल भी उठना पड़ेगा आपको। हमारी वृंदावन की यात्रा और भगवान श्री कृष्ण का वो स्थान जहाँ पर उन्होंने लीला रचाई थी, वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन और उनका जन्म स्थान, बचपन का स्थान गोकुल, ये आपने देखा हमारे साथ में। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और नए हैं तो शुभ जर्नी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।